भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बाद अब बीजेपी के हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक विवादित बयान दिया है। इस बयान के बाद जहां कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है, तो वहीं बीजेपी ने अब इस बयान से किनारा कर लिया है। दशहरे के दिन भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने हिंदुओं को फादर और चादर से दूर रहने की नसीहत दी थी। गुड मॉर्निंग और दरगाह पर जाना छोड़ो, उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। विधायक रामेश्वर शर्मा के चादर फादर वाले बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। दूसरी ओर विधायक रामेश्वर शर्मा के विवादित बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं, बीजेपी समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। फादर और चादर से दूर हो जाओ हिंदू, नहीं ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे, फादर और चादर, समझ गए कि नहीं? अरे समझेगी नहीं? फादर और चादर से दूर रहो, ये पीर बाबा से दूर रहो, ये पीर बाबा तुम्हारे हनुमान मंदिर जाने में बाधा है। पीरों को पूजने वाले से बोल दो कि तुम जमीन में दफन पर भरोसा करते हो, हम दुनिया को चलाने वाले पर भरोसा करते हैं जो बजरंग बली है। हम बजरंग बली पर भरोसा करते हैं और इसलिए कल्चर में ध्यान रखो, गुड मॉर्निंग भूल जाओ, कराग्रे वशते लक्ष्मी कर्मते सरस्वती कर मूले ते गोविंदा प्रभाते उठकर दर्शनम। मध्य प्रदेश